रीवा प्रवास पर पहुंचे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पद्मधर कॉलोनी स्थित नदी बाग पहुंचे, जहां उन्होंने रहवासियों की समस्या सुनी और उसके निराकरण का आश्वासन दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने नदी बाग पहुंचकर प्राचीन काली माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और बाग का भ्रमण किया, जहां उन्होंने बाग की प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने रहवासियों की समस्या सुनी और उसके जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। दरअसल प्रशासन द्वारा नदी बाग की जमीन को विशाल मल शोधन संयंत्र बनाए जाने हेतु लिया गया है, जिससे रहवासी परेशान हैं। रहवासी विशाल मल शोधन संयंत्र बनाए जाने के फैसले के विरोध में हैं और इसको लेकर कई दिनों से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। कई बार कोर्ट ने इस पर रोक भी लगाई, लेकिन प्रशासन का तर्क और मनमानी रवैया रहवासियों की परेशानी पर भारी पड़ रहा है। रहवासियों का कहना है कि पूरी कॉलोनी डूब क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बारिश के समय कॉलोनी में कई बार घरों में पानी भर जाता है। मल शोधन संयंत्र बनने से मल का पानी पूरे कॉलोनी में फैलेगा, जिससे रहवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रहवासियों ने बताया कि इस बाग में प्रसिद्ध प्राचीन काली माता का मंदिर भी है, जिसके दर्शन के लिए हजारों भक्त आते हैं। यह हिंदू आस्था का केंद्र रहा है, लेकिन सेप्टिक टैंक बनने से जहां मंदिर को नुकसान पहुंचेगा, वहीं बाग में सैकड़ों पेड़ों के कटने से इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी नष्ट हो जाएगी। बाग से लगी हुई बिछिया नदी का निर्मल पानी भी प्रदूषण की चपेट में आएगा और हवा भी प्रदूषित होगी। रहवासियों ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से इस मल शोधन संयंत्र को रहवासी क्षेत्र से दूर बनाने का आग्रह किया, जिसको लेकर गिरीश गौतम ने रहवासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि मंदिर और आस्था के लिए हमने 500 सालों तक लड़ाई लड़ी है। उनका प्रयास रहेगा मंदिर में लोगों की आस्था बनी रहे और बाग को नुकसान न हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि मल शोधन संयंत्र भी जरूरी है, इसके लिए वे अधिकारियों से चर्चा कर इस पर पुनः विचार करने की बात कहेंगे। इसके साथ ही एनजीटी को भी इस पर चर्चा के लिए कहा जाएगा। गिरीश गौतम के आश्वासन के बाद रहवासी काफी खुश नजर आए और उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर गिरीश गौतम ने अपनी मांगों को लेकर पहुंची मार्त शक्ति को भी प्रणाम किया और उनकी सराहना की। इसको अपन देखेंगे और प्रयास ये है कि अभी तो जैसे आप देखें एनजीटी जो है इस बात में प्रयास करता है। पूरे रीवा शहर के भीतर जब एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास वाकई में घूमने की कोई जगह नहीं, तो इसको भी प्लेट बनाकर कुछ घूमने लायक बनाया जा सकता है। बढ़िया वो जैसे अपन देख करके वही अधिकारियों को बुलाकर के नए सिरे से सर्वे करने का प्रयास करेंगे कि वो हो जाए और अच्छा हो जाएगा, जो हो जाए वो ही बन जाए यहाँ पर रहवासियों का, क्योंकि वाकई में यदि वो सीवर का यहाँ आएगा बाढ़ आती है तो बाढ़ में वो जो मल है वो पूरी तरह से घरों के भीतर आता है। हमारे पाइप लाइन्स है, उस पाइप लाइन्स में कई बार कीड़े आते हैं, कई बार तमाम सारी चीज़ें आती है, नलों में शिकायत आती है, ये हो रहा है। तो रीवा शहर का विकास हो, विकास में हम भागीदारी बने, पर किसी के विनाश की कीमत पर विकास नहीं हो हमेशा विचार को नुकसान पहुंचा दें, शंकर जी के मंदिर को नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि हमारी आस्था के केंद्र हैं। आस्था के केंद्रों के लिए आपको देखा होगा कि कितने 500 वर्ष से हम लड़ते रह गए। भगवान राम का मंदिर बने इसके लिए 500 साल से अदालती मुकदमे लड़ते रह गए, उसके पहले न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी होगी, बांधों में कितने लोग मारे गए, अंततः गत्ता सफलता मिली। मैं ऐसा समझता हूँ कि जब सही दिन से देवी जी की कृपा है और आप सबका वाकई इस दिशा में काम बढ़ रहा है तो उनकी कृपा होगी, सफलता आपको मिलेगी। मैं अपनी तरफ से प्रयास यही करूंगा कि अन्याय नहीं होने पावे, मोहल्ले का विकास भी हो और किसी के साथ अन्याय भी ना हो, कम से कम हमारे देवी देवताओं के साथ अन्याय नहीं हो, ये जरूर प्रयास करूँ। माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में भी मैंने कहा था कि यहाँ महामल शोधन यंत्र बन रहा है और उस शोधन यंत्र से बाढ़ में वो स्थान डूब जाएगा। जब वो डूब जाएगा तो जिस नाली से जिस उससे फायदा जाएगा उसी के माध्यम से हम लोगों के घर में वो होगा, इतना इतना वो चपक जाता है। हम लोगों ने काफी प्रयास किया, कोई जानकारी नहीं दी हम लोगों को इसमें क्या हो रहा, कोई एक आरक्षण नाम की प्रक्रिया है, वो आरक्षण कर दिया गया, आवंटन नहीं हुआ और उसके तहत ये 2 एकड़ जमीन, ये देवी जी जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है वहाँ चिन्ह लगा हुआ है, ये 2 एकड़ का, ये ऊपर का जो ये 2 एकड़ का भाग है, तो ये तो आरक्षण नाम कर दिया, आवंटन नहीं हुआ और इस पूरे 4 एकड़ को यानी लिख दिया। काफी हम लोगों ने प्रयास किया, निवेदन किया, लेकिन कोई हम लोगों को सफलता अभी इस तरह से नहीं मिली। चुनाव में आश्वासन राहत से मिला था कि ये यहाँ नहीं बनेगा और बनेगा और एक भी दूसरी जगह से स्थानांतरित होकर आया है, संभवतः बता रहे हैं 214 करोड़ का है और सबसे बड़ा 6 MLD का ये बन रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक
चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।